स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश एक्सपेक्टेड हिंदी क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। हिंदी सब जो सेक्शन आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश के जिनमें हिंदी पूछी जाती है, क्या होता है उसका हिंदी का पैटर्न। और जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम है और आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है, और बाकी जो जितने भी क्लरिकल लेवल के पेपर होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, स्पेशली हिंदी जिसमें पूछी जाती है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कैसा होता है पैटर्न सवालों का, और क्या है इस बार के एक्सपेक्टेड सवाल जिस तरह से पैटर्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और जो पहले भी आता है कैसे आता है वो इस वीडियो में मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा विद सवालों को मैंने इसमें वीडियो में यूज़ किया है। तो आप यहाँ इस वीडियो में जान पाएंगे कि क्या है वो पैटर्न हिंदी का, ठीक है। बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी हिंदी की कि हिंदी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं आपके लिए स्पेशल हिंदी की वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, एंड तक तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने मोबाइल पर यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तभी उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। और इस वीडियो को आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का पेपर देने वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी भी कभी ना कभी हेल्प हो ही जाएगी। इसलिए ज़रूर हेल्प कीजिए, ठीक है। जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देर ना करते शुरुआत करते हैं आज के पहले हिंदी के सवाल से। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जा सकता है आपसे वो है, एग्ज़ाम में जो आएगा वो है आपसे, निर्देश प्रश्न संख्या है इनमें से, मतलब पहले या पांचवें में से पांच सवाल आएंगे। देखिए उसमें दिया होगा नीचे गए शब्द का समान अर्थ बताने वाला शब्द चुनिए, मतलब सिमिलर वर्ड जो होता है जिसका मतलब एक जैसा होता है वो। जैसे कि आप अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि गति, गति का सेम मतलब क्या है, उसके क्रम, मार्ग, चाल या फिर क्रिया। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका चाल। ओके, तो चाल का ही मतलब गति होता है, गति का ही मतलब चाल होता है, तो इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला वर्ड है प्रतिष्ठा, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिष्ठा है, तो देखिए इसका जो मीनिंग क्या हो सकता है, ख्याति, यश, आदर या प्रशंसा। तो देखिए इससे मिलता जुलता शब्द है आपका ख्याति, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ख्याति। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, पांच सवाल या चार सवाल आएंगे जिसमें से आपको उससे मिलता शब्द बताना होगा, तो इस तरह का सवाल आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका वर्ड है अगला प्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष रूप से मतलब किसका वर्ड का मतलब सेम है, समक्ष, स्पष्ट, प्रकट या पूर्णतः। तो इसका सही जवाब है समक्ष, किसी के समक्ष, किसी के सामने रखना, प्रत्यक्ष रूप से बताना, ठीक है, इसका मतलब। तो इस तरह के सिंपल सीधे वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अगर आपने नहीं किए हैं ये वर्ड्स, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप जिनके पास टाइम है एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, और हिमाचल पुलिस के कैंडिडेट्स के लिए भी यही मैं सजेशन करूंगा। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी का इस्तेमाल होता है, सब एक सेक्शन में पूछी जाती है, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, तो ठीक है। अगले तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे है नीचे दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द चुने, मतलब ऑपोजिट वर्ड आपको चुनना है, उससे उल्टा वर्ड चुनना है। जैसे पहला शब्द है उदार, उदार का उल्टा होता है क्या है, पुरुष, कठोर, कोमल या नम्र, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपका उदार, बहुत ही उदार व्यक्ति है, तो वो है बहुत ही कठोर व्यक्ति है, इसका उल्टा उत्तर होगा कठोर, ठीक है। तो इस तरह के शब्द भी आएंगे आपको, मतलब जिनको विलोम शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला वर्ड आता है हमारे पास जैसे लक्षण, ठीक है, हम बात करते हैं लक्षण। लक्षण का अगर देखा जाए, लक्षण मार्ग, नतीजा, विलक्षण या विश्लेषण, इसका लक्षण का उल्टा शब्द होता है, विपरीत अर्थ होता है विलक्षण, देखिए। तो इस तरह से आपको सवालों को करना है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल कर देखिए, जैसे अगला वर्ड है पश्चात, पश्चात का अर्थ उल्टा अर्थ क्या है, अतः, पूर्व, वर्तमान या पहले, ठीक है। तो पश्चात का उल्टा अर्थ होता है पूर्व, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो शब्दों के विलोम शब्द, उल्टे शब्द भी आपको आने चाहिए। तो इस तरह के आपको 3 से 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसकी तैयारी अभी से ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले किस तरह के क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए, आगे जो तीसरी तरह के सवाल जो हिंदी सेक्शन में पूछे जाते हैं वो हैं आपके, जैसे कि आपको रिक्त स्थान भरना है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है। देखिए, आप इस पद के लिए खाली स्थान है, फॉर्म यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। ठीक है, यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें, अगर आप यहाँ पर देखें ये है पूरा आपका सेंटेंस। देखिए, तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा इन चार में से, निश्चित, निर्धारित, विस्थापित या वास्तविक। देखिए, इसमें आपका आएगा निश्चित, सॉरी निर्धारित, निर्धारित शब्द आएगा, माफ कीजिएगा, निर्धारित। देखिए, इसका सही जवाब है निर्धारित। देखिए, निर्धारित फॉर्म मतलब जो उसके लिए सूटेबल फॉर्म है, अगर इंग्लिश में कहा जाए सूटेबल फॉर्म या फिर निर्धारित फॉर्म। ठीक है, यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें, तो इसका उत्तर होगा आप इस पद के लिए निर्धारित फॉर्म यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। तो इस तरह के रिक्त स्थान आपको भरने के लिए आएंगे, तो आपने एग्जाम के लिए पहले से ही तैयारी करके जाइएगा, तो आपको काफी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में अगला रिक्त स्थान का सवाल है, मोहन ने खाली स्थान से देशभक्ति का संकल्प किया, मतलब यहां पर कौन सा शब्द आएगा, उत्सुकता, तत्परता, प्रयत्न या फिर दृढ़ता। तो इसका सही जवाब है दृढ़ता। देखिए, देशभक्ति दृढ़ संकल्प से ही हो सकती है, तो यहाँ पे सही जवाब है दृढ़ता। या देखिए, मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प किया। ठीक है, तो सही जवाब है दृढ़ता। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, मुझे आपके कहने के खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपके कहने के, पहला ऑप्शन है अनुसार, हेतु, सम्मान या फिर परे। तो इसका सही जवाब है मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह के रिक्त स्थान आपको भरने के आएंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जिनकी हिंदी अच्छी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हिंदी का सेक्शन, लेकिन जो लोग इंग्लिश में काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन हिंदी में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपनी जो हिंदी का शब्दकोश है उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी राय है। शब्दकोश पे काम कीजिएगा, ठीक है, जितना हो सके न्यूज़पेपर को पढ़िए, अपनी जो शुद्ध हिंदी है उसकी उसकी वोकैबलरी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, उसको इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि ये जो शब्द आएंगे आपको भरने के लिए ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब आपको इंग्लिश में आता होगा, हिंदी में नहीं पता होता। जिनको हिंदी में आता होता है उन्हें इंग्लिश में ही सेम प्रॉब्लम इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिलती है। तो जो हिंदी में वीक हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो इंग्लिश में अपनी इंप्रूव कीजिए, शब्दकोश को मतलब वोकैबलरी को बढ़ाइए, और जो हिंदी में वीक हैं वो अपना हिंदी वाला शब्दकोश इंप्रूव कीजिए, तभी उनको फायदा होगा और तभी वो आसानी से ये सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले किस तरह के सवाल आ सकते हैं, आएंगे भी, तो चलिए देखिए अगले किस तरह का सवाल आएगा। अगर आप यहाँ से देखें, देखिए शब्द दिए, जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनके प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए कितनी शुद्ध हिंदी है। तो देखिए, जिनको वर्तनी का मतलब नहीं पता है, मतलब शुद्ध वर्तनी का मतलब नहीं पता, इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल करेक्ट आपको स्पेलिंग बताने हैं उसके, एक तरह से मतलब जिस तरह से वो लिखा जाता है शब्द उस तरह से आपको उसकी। तो इसमें से कौन सा वो शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो उसको सिलेक्ट करना है जो एकदम सही लिखा गया है। ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग तरह से लिखा गया, लेकिन आपको सबसे सही जो लिखा गया है उसको चुनना होता है। ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है, जो इंग्लिश सेक्शन में आता है, करेक्शन ऑफ मतलब सबसे सही जो स्पेलिंग लिखे गए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है पुष्ट, पृष्ठ, पृष्ठ या फिर पृष्ठ। देखिए, तो इसका सही जवाब आपको पता है, देखिए हिस्ट पृष्ठ कहा जाता है, हिस्ट पुष्ट कहा जाता है, तो इसका देखिए सही जवाब है ए, पुष्ट। ठीक है, तो जरूर आप इस पे काम कीजिए, स्पेलिंग आप जो लिखते हैं जब मात्राओं का लगाना या वो करना उस तरह से जरूर सीखिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं सेक्शन में। देखिए अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें है सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वधिक या सर्व अधिक। देखिए, आप जब भी मेरा जो इसमें तरीका है करने का वो कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, देखिए उस शब्द को जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए अपने मुंह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें सर्वाधिक, सर्वाधिक, देखिए जो शब्द मिलता जुलता है जो हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ये चीज़ सर्वाधिक। ठीक
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्बाधिक, बाधिक ये ब व जो है बी से कटा हुआ है तो बा बोला जाएगा, सर्बाधिक। तो सर्बाधिक तरह का कोई शब्द नहीं होता है। सर्वधिक, ये देखिए इसकी मात्रा ही गलत लगाई गई है तो ये भी नहीं हो सकता। सर्व अधिक तो बोला ही नहीं जाता क्योंकि सर्व आ आ को यहाँ पर एक आप जो जिससे डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है सर्वाधिक, तो देखिए यही सही है और यही सही जवाब है। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, अपनी हिंदी पे काम कीजिए तो आप ज़रूर आसानी से सवालों को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये भी वही सवाल है। स्वास्थ्य, स्वस्थ्य, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य। देखिए तो आपको पता है स्वास्थ्य होता है, तो इसमें देखिए स्वास्थ्य तो होता नहीं है तो ये नहीं हो सकता, स्वास्थ्य भी नहीं होता है, स्वास्थ्य ये हो सकता है। और यहाँ से स्वास्थ्य, कभी भी स्वास्थ्य में श नहीं आता, ठीक है, जिससे श से शलगम शलगम होता है आपका, वो नहीं आता। तो इसका सही जवाब हो सकता है सी, और सी ही आपका सही जवाब है। देखिए इसी तरह से आपको ढूंढना है एग्जाम में, और देखिए जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और मैं जिनको कहूँगा जिनकी वीक है और उनका पेपर अभी जब भी आना है तो आप तैयारी कीजिए, रीड न्यूज़पेपर हिंदी का रीड कीजिए, वो आपकी मदद करेगी वोकैबलरी में हिंदी के शब्दकोश को बढ़ाने की। और जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िया कीजिए, नए शब्दों की अपना शब्दकोश बढ़ाइए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको देखने मिलेंगे। अगले किस तरह के सवाल हैं वो अभी मैं बताता हूँ अगली, तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं सवाल। अगला जो पोर्शन होगा आपका हिंदी सेक्शन में, देखिए वो होगा आपका मुहावरे या लोक्तियों का सही उत्तर चुने। देखिए आपको एक जैसे मुहावरा दिया होगा, जैसे कि कहा गया होगा यहाँ पर, जैसे सवाल दिया है घास खाना, तो घास खाने का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है अत्याधिक गरीब होना, दूसरा है घोर मूर्खता का परिचय देना, तीसरा है तुच्छ काम करना, चौथा है जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए घास खाने का मतलब होता है, जो मुहावरा है वो है घोर मूर्खता का परिचय देना। ठीक है, तो अपने मुहावरों पे भी काम कीजिएगा। ठीक है, तो मतलब इजी है, जिन लोगों ने किया हुआ है तो उनके लिए इजी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें कैसा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं आगे है टूट पड़ना, मतलब टूट पड़ना। ए ऑप्शन है प्रयाण करना, प्रस्थान करना, वृक्ष के फल का गिरना या भारी संख्या में पहुंचना। देखिए तो आप जब भी कहते हैं सुना होगा लोगों को कि भीड़ मतलब भारी संख्या में पहुंची है, मतलब टूट पड़ी है एक तरह से, तो टूट पड़ी का मतलब होता है भारी संख्या में कहीं पहुंच जाना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला है दांत खट्टे करना, तो ये एक इजी है मेरे हिसाब से, जो हिंदी में अच्छे हैं उनको पता ही होता है दांत खट्टे करना का मतलब, जैसे बहुत ठंड होना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, पराजित करना या बेइज्जती करना। देखिए दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को परास्त कर देना या पराजित कर देना, हरा देना। ठीक है, ठीक है, उसको कहा जाता है, जैसे बोले दुश्मन के दांत खट्टे करना, मतलब दुश्मन को पराजित करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल आएंगे, ये आपका चौथी तरह का, चौथे टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। आगे देखिए आपसे किस तरह के थोड़े से जनरल मतलब हिंदी की ग्रामर की नॉलेज जिनकी अच्छी होगी वही जवाब दे पाएंगे इसका। जैसे एक दो सवाल कुछ एक्स्ट्रा होंगे, वो हैं जैसे कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तो ये आपको अगर आता होगा आपने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं। देखिए सर्वनाम होते हैं कुल 6 प्रकार के, तो इस तरह का सवाल आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो आगे एक और टाइप के जो सवाल आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस, उस हिंदी सेक्शन में जो आगे है वो है आपका वाक्य का के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, मतलब स्पॉटिंग द एरर जो इंग्लिश में आता है वो यहाँ पे मतलब बन के आ रहा है। वाक्य का अशुद्ध भाग चुनिए, वाक्य में जो अशुद्धता है उसको चुनना। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को करते हैं। देखिए तो सवाल है आपका दिया गया है ये, वाक्य में अशुद्ध भाग चुनिए। जैसे नरेश को एक और लड़की हुई है, या फिर इस लाइन में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब है नरेश को। ठीक है, नरेश को में गलती है। ठीक है, नरेश के और के एक और लड़की हुई है, ये होना था के नहीं को नहीं आएगा, को नहीं आएगा, के आएगा। तो इस तरह से आपको त्रुटि ढूंढनी होगी। 5 सवाल आएंगे और आपको पांचों के जवाब देने होंगे। इस पे काम कीजिएगा, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है ज़रूर उस पे काम कीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम से जो आने वाले एग्ज़ाम है उनको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे किस तरह के टाइप के सवाल आते हैं एक और हैं, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए आगे जो आपके टाइप के सवाल आते हैं, जैसे आपको प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुने। देखिए तो आपको यहाँ पे एक लाइन दी होगी, जैसे यहाँ पे दिया हमेशा रहने वाला, तो उसका एक शब्द चुनना होगा, मतलब उसका वन वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर सवाल है हमेशा रहने वाला,
ठीक है, हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदह या पार्थिव? तो देखिए उसको कहते हैं शाश्वत, याद रखिएगा, हमेशा रहने वाले को कहा जाता है शाश्वत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे इसी में पूछा जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, अकिंचन, निरामिष, पूर्ण या कर्जदार? तो इसका सही जवाब होगा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहा जाता है अकिंचन। ठीक है, तो इस तरह के सवालों पे काम कीजिएगा ज़रूर, और मेहनत कीजिए अभी से ही, तभी आप मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपको बूस्ट करेगी आपको मेरिट में आने के लिए, क्योंकि कईयों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए आसान काम है, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो लोग इसमें। ठीक है, तो और कौन से सवाल हैं? देखिए इसमें और तरह के जो सवाल आते हैं वो मतलब मैंने अभी इसमें यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैं पूरा नहीं कवर पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको इसमें एक आएगा जिसको कहते हैं पूरा का पूरा वो आता है एक, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है, उसी तरह हिंदी में आपको एक पैराग्राफ आएगा, आपको उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इजी पूछे जाएंगे, और आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह का सवाल और आता है, और दूसरी आती हैं इसमें संधियाँ। ठीक है, संधि के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि उसको यहाँ पर कवर कर पाना इतना ईजी नहीं था मेरे लिए। ठीक है, तो संधि के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको शब्द दिया होता है और पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि लगी है, गण संधि या फिर ऋण संधि, जितनी भी तरह की संधियाँ उनको आपको जवाब देना होता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए जो भी तैयारी करते हैं, क्योंकि हिंदी के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो बैच है वो भी चलने वाला है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9857861731 पर। ठीक है, हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जितने भी स्पेशली जो हम ये है आपका ऊना में, ठीक है, ऊना गगरेट में, ठीक है, तो जो लोग भी हमारे बैचेस में शामिल होकर तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।